ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ते शान्ते शान्ते। ॐ वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आवेराविर्मयेधि वेदस्य वाणीस्तः श्रुतं मे माप्रहासीदनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ते शान्ते शान्ते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ते शान्ते शान्ते। ऐत्रेयोपनिषद यह ऋग्वेद का उपनिषद है। ऋग्वेद के कोई भी वेद हो सामान्य लक्षण बताया मंत्र ब्राह्मण और वेदनामधेयम्। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग मिलकर के वेद नाम से कहा जाता है। ऋग्वेद के दो बड़े बड़े ब्राह्मण भाग है। प्रथम ब्राह्मण भाग का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण भाग का नाम है कौशिकी ब्राह्मण। उन ब्राह्मण भागों में भी उपनिषद है ही, और ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय। उन 40 अध्यायों को पांच पांच अध्याय का पांच पांच अध्यायों का एक विभाग करता हुआ पंचिका नाम से कहा जाता है। आठ पंचिकाएं हैं, आठ पंजा 40। और ऐत्रेय आरण्यक उन्हीं में से 18 अध्यायों के पांच भागों विभक्त है। सब ऐत्रेय आरण्यक को 18 अध्यायों में मान लिया। मंत्र प्राण भाग ही होता है ऊपर वेद। इन आरण्य कहाँ से आया? कल ये वास्तव में क्या है कि ब्रह्मचारियों के लिए मंत्र भाग प्रधान माना गया, प्राय गृहस्थों के लिए ब्राह्मण प्रधान माना गया, और वानप्रस्थों के लिए आरण्यक प्रधान है, और सन्यासियों के लिए उपनिषद प्रधान रूप से माना जाता है। मंत्र भाग में उपनिषद होते हैं, ब्राह्मण भाग में उपनिषद होते हैं, आरण्यक भाग में भी उपनिषद होते हैं। ये जो उपनिषद आप पढ़ रहे हैं आरण्यक भाग में विद्यमान उपनिषद। आरण्यक में जो 18 अध्याय है उनमें से चौथा पांचवा और छठा अध्याय, 4, 5 और 6, ये तीन अध्याय ऐत्रेय उपनिषद नाम से कहा। इसका नाम ऐत्रेय उपनिषद क्यों पढ़ा? इतराया अपत्यम इति ऐत्रेय। इतरा का एक बेटा था जिसका नाम ऐत्रेय। उसका दूसरा नाम, प्रसिद्ध नाम वास्तव में था महिदास। छांदोग्य उपनिषद में तीसरे अध्याय 16वें खंड में इसकी चर्चा है। इस व्यक्ति का ऐत्रेय महिदास नाम से प्रसिद्ध ऋषि थे। इस स्त्री का माँ का नाम जो है इतरा क्यों पड़ा, इस पर विचार किया है लोगों ने। सायनाचार्य जो समस्त वेद के भाष्य को लिखे हैं उपलब्ध वेद का, वो सायनाचार्य जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण पर भाष्य के प्रारंभ में लिखते हैं कि कोई प्रसिद्ध ऋषि रहे जिनकी अनेक पत्नियाँ थी। अनेक पत्नियों में से उनको सभी पत्नियां लगभग प्रीति एक को छोड़कर, वो जो एक थी किसी भी कारणवश उनके लिए कुछ अप्रिय साथी, इसे उसका नाम ही उन्होंने रख दिया था इतरा। इतरा माने ये दूसरी है, मेरी नहीं दूसरी, ये सब मेरी प्रिया है मदिया, ये सब मदिया है और यह इतरा है, माने ये सब मेरी है ये दूसरी है। ऐसे कुछ कारणवश उस एक पत्नी के प्रति कुछ दुर्भावना थी ऋषि के अंदर, और अन्य स्त्रियां भी इसलिए उसको बड़ा विचित्र भाव से देखते व्यवहार करते थे। उनसे भी उस ऋषि ने एक बेटा पैदा किया जिस बेटे का नाम था महिदास।
इतरा के पुत्र का नाम मैदास था। अन्य सपत्नियों के पुत्रों के समान अपने पुत्र मैदास का पिता के द्वारा कभी सम्मान नहीं किया जाता था। जैसे ध्रुव की कहानी में नहीं आता है, यदि वहां तो पिता सम्मान करना भी चाहता था, लेकिन पत्नी जो है भगाती थी, छोटी पत्नी का बच्चा भग, उनको अधिकार नहीं बैठने को। ऐसे इतरा का बेटा के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार, तो उस ऋषि की अन्य पत्नियां और ऋषि भी उस बेटे को बिल्कुल धुतकारते थे, अपमान करते, तिरस्कार करते थे, हमेशा दूर रखते थे। फिर भी उस महिदास ने बहुत मेहनत करके बाहर जा करके अन्य गुरुओं से, अपने पिता को छोड़कर दूसरे लोगों से खूब अध्ययन किया शास्त्रों को, चिंतन मनन ध्यान मस्त होकर के समाधि में चला जाता था। और समाधि में उसको एक नया, ये जो ऐत्रेय आरण्यक और ऐत्रेय ब्राह्मण अपने जो सुन रहे हैं, जिसका एक हिस्सा है उपनिषद, ये संपूर्ण उसको प्रकट हो गया हृदय में। लेकिन उसको कोई मानते नहीं थे, पूरे समाज उस ऋषि के तिरस्कार करने से, समस्त समाज, ब्राह्मण समाज, ऋषि समाज, सब उसको तिरस्कार। माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना योग्य है, एक वेद का दृष्टा है, अब उसको जो है लेकिन तिरस्कार कर रहे हैं लोग। उसने क्या किया, माँ ने प्रार्थना की, कुल देवता उनका भूमि थी, पृथ्वी देवी, कुल देवता से प्रार्थना किया, यदि मेरा बेटा सच्चा है और वेदों का दृष्टा है और उसके द्वारा जो दृष्ट वेद का संसार प्रचार आप चाहती हैं इस पृथ्वी पर, आप चाहती हैं कि उसका प्रचार प्रसार हो, तो फिर आप कृपा करो। बहुत प्रार्थना रो रही, तब माँ पृथ्वी देवी आकर कही, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेटे को इस संसार में प्रतिष्ठित कर दूंगा। तुम्हारा पति यज्ञ करने जा रहे हैं, बृहद सहस्र नाम के यज्ञ करने जा रहे हैं, उस यज्ञ में तुम्हारा बेटे को वो वरण करेंगे, मजबूरी ऐसे मैं लीला करूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे वरदान दे करके चुप हो गई। उसके बाद यहाँ बृहद सहस्र नाम के यज्ञ को महिदास के पिता यजमान होकर करने लग गए। महिदास भी वहां पर पहुंचा माँ के कहने पे, लेकिन कौन उसको पूछता, वो ब्रह्मज्ञानी था, वो अनादर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे माना अपमान समय कृतवा लाभा लाभ हो जाए आ जाओ। वो किनारे चुपचाप बैठा रहा बाहर, बाकी सब पंडितों को वरण हुआ, पूजा पाठ हुई, यज्ञ भूमि में सारी तैयारी हो गई, अग्नि प्रकट हुआ। उस अग्नि को जैसे यज्ञ कुंड भूमि में स्थापना करने के लिए पहुंचते हैं, ढेर से आवाज आया और यज्ञ कुंड फट गया। पृथ्वी माँ ने ऐसे जान के की, सब लोग घबरा गए, क्या हो गया, यज्ञ कुंड ही फट गया। फिर अंदर से आवाज आया उस यज्ञ भूमि से, तुम लोग यदि यज्ञ सफल चाहते हो जिसको शुरू किया है, और सफल चाहते हो, मेरा पोता जैसा है वो महिदास, उसको वरण करना होगा आचार्य रूपेण, और वही इस यज्ञ को प्रतिष्ठापित कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तब मजबूरी में सभी ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किए महिदास जी से, आप जो है हमारा आचार्य बनिए। तो जो आचार्य रूप ने वर्ण किया हुआ था वो कहा, हम वापस होते हैं, आप बैठे नहीं तो यज्ञ ही ध्वंस हो रहा है यहाँ। इसलिए पिता को भी सब मिल करके प्रार्थना किया, तो पुत्र रूप महिदास ने स्वीकार किया आचार्य पद को, और यज्ञ मंडप में अंदर आकर के आचार्य पदवी पर बड़ा आसन पर सिंहासन बिठा सम्मान पूजा पाठ किया उनका। तब उन्होंने प्रार्थना की पृथ्वी माता से, यज्ञ भूमि से, फिर वापस यज्ञ कुंड समाहित हुआ, यज्ञ में अग्नि स्थापना हुई, यज्ञ का संपादन हुआ। यज्ञ संपादन होते वक्त नियम ही होते, यज्ञ में बीच जब खाली समय होता है उस समय आचार्य जी का प्रवचन सबको बैठ के सुना पड़ता है। अजब पिता आज तक अनादर कर रहा था, मजबूरी में बैठ करके अब बेटा सिंहासन में बैठ के बोल रहा है, सुन रहा है। उस समय उसने ये समस्त ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय संहिता और ऐत्रेय उपनिषद, ये सारी चीज उसने सुनाया लोगों को। वहीं से परंपरा ऐत्रेय का आरंभ हो गया। अतएव ऐत्रेय उपनिषद आरण्य कांतर विद्यमान चौथा पांच छठा अध्याय यह शुरू होता है।
लेकिन पूर्व पक्ष यहाँ बहुत तगड़ा है, इसलिए संबंध भाष्य जो भूमिका है ना बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है। कारण क्या है? क्योंकि कथा के अनुसार यैत्रेय संपूर्ण चीजें कहाँ सुनाई गई थी? यज्ञ मंडप में। इसे पूर्व पक्ष कहेगा यह समस्त उपनिषद कर्म का अंग होना चाहिए, यह स्वतंत्र मोक्ष देने योग्य नहीं है, मोक्ष के योग्य ब्रह्म विद्या नहीं है, ये हिरण्यगर्भ संबंधी विद्या है। अतएव कर्म का अंग भूता उपासना जैसा समझो, जो जो गुण यहाँ बताया गया ब्रह्म का करके ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ करना चाहिए, और हिरण्यगर्भ की अंग भूता है सारा गुण हो, उन गुणों से हिरण्यगर्भ उपासना करनी चाहिए। ऐसे उपासना करने से तो कर्म समुचित उपासना के द्वारा उसको हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्ष आरंभ करता है। और उस पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांति एक एक करके युक्तियों के द्वारा खंडन करेगा, और इसी मौका को लेकर के भाष्यकार यहाँ पर यह विस्तृत करेंगे, उपनिषदों का मुख्य अधिकारी सर्वकर्म संन्यास किया हुआ सन्यासी ही उपनिषदों के अधिकारी है, ब्रह्मचारी नहीं। गृहस्थ दूर की बात, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ये उपनिषदों का अधिकारी नहीं, उपनिषदों का अधिकारी केवल सन्यासी स्थापित करेंगे यहाँ पर। कई लोग इसलिए चैत्र उपनिषद को बेकार कर फेंक देते हैं, अधिकारी नहीं दिया गृहस्थों को, अधिकार नहीं दिया ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थ को, है इसी का नहीं, वो तो सामान्य शास्त्रार्थ है ना, संपूर्ण उपनिषदों के प्रति सन्यासी को ही अधिकारी, दूसरे को अधिकारी नहीं बोल देंगे। अन्य आश्रम वाले ब्रह्म ज्ञान के मुख्य अधिकारी नहीं है, अर्थात गौण अधिकारी माना जाएगा। यदि गृहस्थ आश्रम में रह करके आपको वैराग्य पुत्र श्रोकेश्वास है विरक्त है आप, तब तो आप सन्यासी को आगे बिठा करके पीछे बैठकर श्रवण करना चाहिए। मैंने सन्यासी को अग्रभाग में बिठा के तन मुखे नहीं वह सुन सकते हो, साक्षात स्वयं सुन नहीं सकते, ये नियम है। इस तरह से आप भाष्यकार विशेष चर्चा में बताएंगे। अब आरंभ होता है, देखिए शास्त्रार्थ आरंभ करने के लिए पहले बता रहे हैं कि चौथी अध्याय से पहले क्या क्या चर्चा हुई है ये आरण्यक में वो बता रहे। परिसनातम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान, अपर ब्रह्म विषय विज्ञान सह कर्म परिसमाप्त। अपर ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ, अपर ब्रह्म कहते हैं हिरण्यगर्भ को, हिरण्यगर्भ विषय को उपासना के साथ कर्म की चर्चा परिसमाप्तम पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। परिसमाप्तम भवति ऋग ब्राह्मण अरण्य कांडीय इससे पूर्व भाग तक जो है उपासना विशिष्ट कर्म, उपासना की चर्चा हो गई, कर्म की भी चर्चा हो गई। सैषा कर्मण ज्ञान सीतस्य परागतिर उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृदा, और सैषा परागति वह जो सर्वोत्कृष्ट फल किसका? उपासना सहित कर्म का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? उसी को उक्त विज्ञान द्वारेण, उक्त मने हिरण्यगर्भ उपासना के द्वारा कथन करते हुए उपसंहार कर दिया। सर्वोत्कृष्ट फल यदि मिलेगा तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति सर्वोच्च फल है, उससे आगे और कोई फल मिलने वाला नहीं। मोक्ष तो कभी भी उपासना से या कर्म से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, केवल कर्म से भी नहीं, कर्म समुचित उपासना से भी नहीं। कर्म समुचित उपासना से क्या होगा? अधिक से अधिक जो फल मिलने वाला है वह हिरण्यगर्भ की प्राप्ति है, उससे आगे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा यह मैंने तीसरे अध्याय तक का विषय बता रहे, तीसरे अध्याय तक इतना कहकर उपसंहार किया, और ये चौथे अध्याय शुरू होता है यहाँ आत्मविदम अग्रह आसीत इत्यादि। एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्याम, ये कहा है वहां कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद ने वर्णन किया दो दो में। एतत् सत्यम ब्रह्म, इसी का नाम सत्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ का नाम। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्राण भी है, उसको सत्य भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। ऐसे और मैत्री उपनिषद में भी है ये सातवां अध्याय सातवें मंत्र में, एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम। एष एको देवः, यह एक देव है,
और उसी में ऐसा दिख रहा है आनंद ब्रह्मांड, उसी का शरीर है स्थूल शरीर। हिरण्यगर्भ एकमात्र देव है, उसके अंदर ये सारा विराट शरीर दिखाई दे रहा है, अनंत देवता अनंत योनिया सब कुछ दिखाई दे रहा है। एतस्य प्राण से सर्वे देवा विभूतयः, एतस्य प्राणस्य, इसी प्राण का मानो ये सारी देवता विभूतियां हैं, सभी देव इस प्राण की ही मने इस हिरण्यगर्भ का ही विभूतियां हैं। एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति इत्युक्ताम्। इस प्राण रूप हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत होने पर ही यह देवता भाव अप्य देवता अप्येति, देवता लोग इसी में एकीभूत हो जाते हैं, लय को प्राप्त हो जाते हैं। संभूय देवता अप्येति एवं वेद इत्यन्न वाक्य उपसंहृतम इत्याह। परागति परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम इत्यर्थ। आंधगिरी में परागति कर रहे हैं, परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम, उन्हीं उपसंहार वाक्यों को एक एक करके बताया। तत्र सह सर्वेण भोज्येण संयुक्त अध्यात्म दैव लक्षण प्राण सत्ये सत्यैक शब्द वाच्य भवति इति, क्योंकि वहां पर इसका अर्थ क्या है, कहते हैं सह सर्वेण भोज्येण, सकल भोज्यों के साथ संयुक्त, कौन से भोज्य के साथ, अधिदैव और अध्यात्म रूपा सारी चीज साथ जुड़ा हुआ यह प्राण है, वह सत्र एक शब्द वाच्य प्राण स्वरूप मनेन वाक्यन उपसंहर्तम। अनेन प्राण एक एव इत्युक्ता, और प्राण ही एकमात्र हो गया, इसलिए तरी वाग अग्नि आदि हो देवता, वाग आदि अध्यात्म इंद्रिया और उनके अभिमानी अग्नि आदि देवता आदि देव ये सब कह इत्याशंक्य, वाइस आशंका करके तस्य वाक तंतिर अथा तो विभूतयो अस्य पुरुषस्य वालिका, ये सब वाणी वगैरह उसके केवल साधन मात्र है, वो सब उस पुरुष का विभूतियां है ऐसा वहां कहा है। इत्यादि प्राण से विभूतयो विस्तारा इत्युक्तम एवं सर्वात्मक प्राणस्य, इस पर सर्वात्मक हिरण्यगर्भ का आत्मत्वेन विज्ञानात् आत्मरूपेण ज्ञान होने से कर्म सहितात् कर्म सहित उपासना से सर्व देवतात्मक प्राण प्रतिलक्षणम फलम, सर्व देवतात्मक प्राण प्राप्ति रूप फल है, प्राण प्राप्ति लक्षण फलम। प्राण प्राण मने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति रूप फल का वर्णन किया है। प्रजामयो देवतामयो ब्रह्ममयो अमृतमयः संभूय देवताप्येति ये एवं वेद, ये वाक्य वहाँ इस वाक्य को संभार किया, उसमें यदि एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवताप्येति, ज्ञान सहित कर्म के द्वारा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्षस्य असिद्धेः, आगे ना, इसलिए उपासना सहित कर्म के द्वारा केवल आत्मस्वरूप निष्ठा रूपा जो मोक्ष है वह सिद्ध नहीं हो सकता। तत्सिद्ध्यर्थम केवल आत्मविद्या आरंभ से इदानीम अवसर इति भाव, केवल आत्मविद्या का आरंभ करने के लिए ही यह चौथा अध्याय आरंभ हुआ है, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि वह यह जो देवताप्य रूप सर्वात्म भाव प्राप्ति रूप फल है, वह हिरण्यगर्भ भाव की जो प्राप्ति रूप फल है वह परम पुरुषार्थ है, स्वयं देवताप्य लक्षण है परम पुरुषार्थ। भाष्य में कहते हैं स्वयं देवताप्य लक्षण पर पुरुषार्थ, वह यह जो देवता हिरण्यगर्भ देवता उसके साथ एकीभूत होना रूपा जो फल है वही कर्म सहित उपासना का सर्वोत्कृष्ट फल है समझो। एष मोक्ष, यही मोक्ष, वहां पर यह देवता में विलय होना ही परम पुरुषार्थ, यही मोक्ष है। सच मिथोक्तन ज्ञान समुच्चय साधन प्राप्तव्यो ना तो ब्रह्म स्थिति एक प्रतिपन्ना, इसलिए वह यह जो यथोक्त रूपेण ज्ञान कर्म समुच्चय रूपी साधन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, इससे आगे वो जब प्राप्त करने योग्य नहीं है, ऐसे कुछ हम निश्चय कर बैठे हुए हैं। उनका कहना क्या है, यही मोक्ष है, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही मोक्ष, इससे यही परम पुरुषार्थ, इससे आगे कुछ प्राप्त भी नहीं है, अनुभव करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और दृढ़ निश्चय कर लिया उन्होंने ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, कर्म और ज्ञान मने या ज्ञान से उपासना सब जगह है, ये सब पूर्व पक्ष है, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय मने
उपासना और कर्म का समुच्चय रूप साधन से ही एतार हिरण्यगर्भ रूपी और सर्वभावात्मक जो हिरण्यगर्भ रूपी फल प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ वही मोक्ष है, ऐसे कुछ लोग जो निर्णय कर लिया और घोषणा कर दिया। इससे अगर कुछ भी नहीं नाथ परमस्ती इति एके प्रतिबन्ना, ऐसे कुछ लोग निश्चय कर लिया है। तान निराचिकीर्ष हो उनके उस मत को, उनके वह विचार को निराकरण की इच्छा से श्रुति ऐत्रेय उपनिषद आरंभ कर रही है। उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मवायम इत्यादि, अगला जो ग्रंथ है केवल आत्मविज्ञान है, जो मोक्ष का वास्तविक साधन है, उन समुच्चयवादियों का निराकरण करने के लिए ही मानव एक तरह से निराकरण करने की इच्छा से केवल आत्मविज्ञान जो ब्रह्म विद्या है, मोक्ष विद्या है, मोक्षदायिनी विद्या है, उसका विधान करने के लिए ही आत्मवायदमग्रास इत्यादियों के द्वारा यह ऐत्रेय आरण्य का चौथा अध्याय और उपनिषद का यह पहला अध्याय आरंभ किया जाता है। तब पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, महाराज ये कैसे निर्णय हो गया, ये अलग ही विषय है मामला। पूर्व तीन अध्याय तक का आरण्य का तीन अध्याय तक और से पहले का संहिता ब्राह्मण वगैरह सब कर्म और जो है उपासना समुच्चय का जो कार्य हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति से मोक्ष नहीं है, और इससे आगे जो तीन अध्याय में कहा जा रहा है जो वही मोक्ष साधक है, वही ब्रह्म विद्या है, यही आत्मज्ञान है, यहाँ ऐसे कैसा निर्णय ले लिए, पूर्व पक्ष पूछता है। कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तर ग्रंथ इति गम्यते, यह अगला जो ग्रंथ है केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए है, जिसका किसी के प्रकार से कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, कर्म संबंधी नहीं है, अकर्म संबंधी मैंने कर्म संबंधी नहीं है, ऐसा केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए यह अगला ग्रंथ आरंभ हुआ है। यह कैसे निश्चय हो गया या किस प्रकार आप निर्णय ले लिया, ये पूर्व पक्ष पूछता है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में वो चाहता है इसको पहले के ग्रंथों के साथ ही जोड़ना, वो चाह रहा है ये हिरण्यगर्भ से भी जोड़ दो सारी बातों को, जो चौथा पांच छठा अध्याय जो तीन अध्याय है जिसको आप उपनिषद बोल रहे हो, यह भी हिरण्यगर्भ का ही वर्णन कर रहा है, निर्गुण ब्रह्म का नहीं, ऐसे पूर्व पक्ष कहना चाहता है, यही पूर्व पक्ष कहना चाहता है कि ये जो तीन अध्याय रूप उपनिषद है यह भी हिरण्यगर्भ का ही उपासना का वर्णन करने के लिए है, ऐसा कहना चाहता है। तो देखिए इसलिए पूर्व पक्ष का वर्णन बहुत सुंदर किया आनंदगिरी, ननो आत्मवायदम वा अग्र आसीत इत्यादि कथम केवल विषय सही मान लोकान सिद्धि लोक सृष्टि प्रतीते है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का विषय कैसे हो सकता है, तो निर्गुण ब्रह्म तो लोकों की सृष्टि करेगा नहीं ना, अगुण है नहीं, सृष्टि कौन करेगा, सृष्टि करने का मतलब है सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म का मतलब हिरण्यगर्भ, क्योंकि यहाँ वाक्य आया है सही मान लोकान सिद्धि लोक सृष्टि प्रतीते है, तस्याश्च सविशेष हिरण्यगर्भादि कर्तृत्वेन पुराणेषु प्रसिद्ध है, और लोकों का जो सृष्टि है और सविशेष जो सगुण ब्रह्म है हिरण्यगर्भादि नाम से प्रसिद्ध तत्कर्तृक ही करके पुराणों में प्रसिद्धि है, ताभ्यो गाम आनयेत आनयेत इत्यादि व्यवहाराणाम लोके सविशेष उच्चत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर कहा ना पहले उन लोगों के लिए क्या किया, इंद्रियों को पैदा किया, इंद्रियों को ने कहा भाई हम कहाँ रहेंगे, तो उसने कहा गाय लाया, गाय लाया तो कह दिए तू शरीर में मजा नहीं है, इसे क्या होगा, चल घास चरते रह जाएंगे दूध देते रह जाएंगे, कुछ तो होना ही नहीं जिंदगी में, गधा लाया घोड़ा लाया चौरासी लाए क्यों नहीं लाए, किसी से भी इंद्रिय और उनके अभिमानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, अंत में मनुष्य लाया, मनुष्य लाए ओ बहुत खुश हो गए सब लोग, इंद्रियां और इंद्रियों के अभिमानी देवता ये सबसे बढ़िया शरीर मिला, इसमें हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बहुत बढ़िया शरीर है ये, ऐसे कर सब इसके अंदर घुस गए। इस तरह से जो वर्णन आया है ये सगुण ब्रह्म का तो विषय हो सकता है, उन्होंने गाय को लाया, अरे गाय को कौन लाएगा, निर्गुण ब्रह्म लाएगा क्या, ये सगुण ब्रह्म की कथा माननी चाहिए, इसलिए ये संपूर्ण उपनिषद को
व्यवहाराणाम लोके सर्व सर्व सविशेष विषय प्रसिद्ध है। इस प्रकार का जो व्यवहार है ना, सविशेष विषय ही देखने को मिलता है, अतः इसको सविशेष मानना चाहिए। पूर्वत्र च और से पहले के अध्यायों में भी अथा तो रेत सृष्टि ही प्रजापते रेतो देवा प्रजापति शब्द हिरण्यगर्भ से प्रसुतत्वाच्छ। उसे पूर्व में का पिछले तीन अध्यायों में उसे रेत का सृष्टि किया। रेत क्या है? प्रजापति का रेत क्या है? ये देवता ही प्रजापति का रेत है। ऐसे अगर प्रजापति शब्द से हिरण्यगर्भ का ही कथन हुआ है। तस्य तद्विषयत्वस्य औचित्याद इति आत्मगृहीतिर इत्यादि करण पूर्वपक्ष न्याय ने संगति। अतएव वही विषय यहाँ पर भी लिया गया परिषद में, इस ग्रहण करना उचित है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से आत्मगृहित अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में। तीसरा अध्याय तीसरे पाद का आठवां अधिकरण है, 3-3-8। वहाँ पर पूर्व पक्ष जो चीज़ है उसी को आधार बनाकर यहाँ पूर्व पक्ष का विचार जान बुझ कर भाष का विस्तार कर रहे हैं। प्रथम इत्यादि से सविशेष विषयत्व सती आत्मित्याय कर्म असंबंधोप्य सिद्धा। क्योंकि जब यह मान लिया अपने सगुण ब्रह्म का विषय है तो ये जो आत्मविद्या है कर्म असंबंधी नहीं रह जाएगा, कर्म संबंधी रहेगा। कि जो कुछ सगुण मामला है वो सब कर्म संबंधी होता है। इति विप्रत्य उक्तम अकर्म संबंधी थी आत्मविदम एक ग्रासित इति अद्वितीय आत्मोपक्रमा। इस प्रकार जो अद्वितीय हिरण्यगर्भ क्या था? एक अद्वितीय ईश्वर था। वो अपने आप विराट रूपेण उत्पन्न कर दिया। एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य सर्वं तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रसिद्धमिति प्रज्ञान शब्दित प्रत्येगात्माधिष्ठानत्वेन तद्व्यतिरेकेण ब्रह्मशब्दित हिरण्यगर्भादि प्रपंचस्य अभावमुक्त्वा प्रज्ञाने ब्रह्म इति अद्वितीय आत्मना उपसंहारात् स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वम् अपश्यत् इति भाष्ये परामर्शात् ब्रह्मात्म अद्वितीयत्वस्य मानान्तरगम्यत्वेन अपूर्वत्वात् अमुष्मिन् स्वर्गीय लोके सर्वान् कामान् आत्वा अमृतसम अवदिति स्वर्गशब्दित निर्दिशय सुखात्मक ब्रह्मण ऐक्यन स्थितस्य तदंशभूत वैशेषिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षण प्रवक्ते हैं। यहाँ पिछले वेदांत को बता रहे सिद्धांत पक्ष को, सिद्धांत पक्ष बता रहे हैं। क्योंकि ये कर्म का असंबंधी क्यों है? आत्मविज्ञान जो है केवल आत्मविज्ञान है और कर्म असंबंधी केवल आत्मविज्ञान है। ये कैसा निर्णय हुआ? क्योंकि इन कारणों की वजह से निर्णय हो रहा है। क्योंकि आत्मा इदम एक अग्रासित करके अद्वितीयत्व कथन किया है उपक्रम। ये जो आरण्यक का चौथा अध्याय उपनिषद का पहला अध्याय, शुरू कैसे कर रहे हैं आप? पहला अध्याय को अद्वितीय ब्रह्म का कथन किया और अंत में भी एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि का अनुक्रम करके सर्वं तत् प्रज्ञान प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ऐसे कह दिया। इस प्रकार से प्रज्ञान शब्द से प्रत्येक आत्मा का भी अधिष्ठान रूपेण शुद्ध ब्रह्म का वर्णन किया आपने। तद व्यतिरिक्त ब्रह्म शब्द हिरण्यगर्भादि प्रपंच से अभाव मुक्त और उससे भिन्न ब्रह्म शब्द जो हिरण्यगर्भादि प्रपंच है इसके अभाव का ही कथन कर दिया है। प्रज्ञाने ब्रह्म इति अद्वितीय आत्मा उपसंहारात् और प्रज्ञानम ब्रह्म कह करके अद्वितीय आत्मा का उपसंहार किया है यहाँ। स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत्त्वम् अपश्यत् जो पुरुष है पुरुष को ब्रह्म रूपेण सर्वव्यापक ब्रह्म रूपेण अनुभव किया ऐसे उनके मध्य परामर्शात ऐसे मध्य में कहा हुआ है। ब्रह्म आत्मा द्वितीयत्वस्य मानांतरगम्यत्वेन और जीव ब्रह्म एकत्व रूपा जो चीज है यह प्रमाणांतर अगम्य होने से अपूर्व भी है। अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आत्वा और इस ब्रह्म को स्वर्ग कह दिया गया। ब्रह्म को स्वर्ग शब्द से कह दिया और उसको जाने के बाद सकल कामना की प्राप्ति वर्णन कर दी। सर्व काम प्राप्ति तो ब्रह्मानुभूति में ही हो सकता है, हिरण्यगर्भ में नहीं हो सकता। अमृत संभवत इति स्वर्ग शब्द निर्तिशे सुखात्मक निर्तिशे सुख रूपा ब्रह्मणा ऐक्यन स्थित ब्रह्म ऐक्य स्थित का ही तदंशभूत वैशेषिक सर्वानंद प्राप्ति लक्षणम
उसका अंशभूता वैसे ही तो सर्वांग प्राप्ति रूपा मोक्ष का वर्णन किया हुआ है। फिर सृष्टि का क्यों वर्णन हुआ? सीमान लोका न सृजत, सृष्टि आदि अर्थवाद तो अर्थवाद है ना, जीव ब्रह्म एकत्व सिद्ध करना है, एक में अद्वितीय सिद्ध करने के लिए बीच में क्या किया, परिदृश्यमान जो जगत का अनुवाद किया अध्यारोप को स्थापित करने के लिए, और अध्यारोप करके उसका अपवाद करेंगे तो जीव ब्रह्म एकत्व सिद्ध हो जाता है। इसीलिए केवल अज्ञानी के द्वारा अनुभूत इस सृष्टि का अनुवाद मात्र है सृष्टि कथन श्रुतियां, जितनी श्रुतियां सृष्टि को कथन कर रही हैं वे सब क्या है, अनुवाद तक मानना चाहिए। सृष्टि आदि अर्थवाद, अनुवाद क्यों किया, अर्थवाद रूपेण अनुवाद किया है समझो, इसलिए कहा स एतम एव सीमान विदार्य एतिया द्वारा प्राप्त प्रवेश उगते है। उसने सीमा का मने ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी का सीमा जो तीनों फालकों का जोड़ है, यहाँ छेद करके वह परमात्मा अंदर घुस गया, हृदय में आकर के जीव बन गया, ऐसा वर्णन हुआ इसी ऐत्रेय उपनिषद में। तस्य त्रयावस्थाः त्रय स्वप्नाः इति जागृत अवस्था त्रयस्य स्वप्रत्यन मिथ्यात्वोक्तिर उपपत्तेश्च, और ये भी कह दिया इसके तीन रहने के स्थान है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों ही स्वप्न ही है लेकिन अर्थात तीनों ही मिथ्या है भी कह दिया वहां पे। निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्वावगमेन ग्रंथस्य अर्थांतर शंका अनवकाश लोकादि सृष्टि उक्तेश्च अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्त आत्मप्रतिपत्त्यर्थम आत्मनि अध्यारोपात् परमात्मैव यः आत्मशब्देन क्रियते इत्रवत्। इसलिए कहते निर्विशेष अद्वितीय जो आत्मा है वही परत्वगमेन, वही परम परम चीज है, निर्सी रूप है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस संपूर्ण उपनिषद तीन अध्याय ग्रंथ का अर्थांतर शंका अनवकाशात इसको किसी अन्य पदार्थ तरफ घटाना की आशंका ही नहीं हो सकती है। और लोका सृष्टि उक्तेश्च, लोका सृष्टि की उक्ति क्यों हुई है, स्पष्ट बोल रहे ना, अध्यारोपवाद के द्वारा उक्त आत्म प्रतिपत्ति के लिए कहा गया, अन्य आत्मनि अध्यारोपात आत्म में अध्यारोप होने से परमात्मा ही वही आत्मशब्द शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को यहाँ आत्मग्रासित आत्मशब्द ग्रहण करना चाहिए। यथा इतरेषु सृष्टि श्रवणेशु, जैसे अन्यत्र आपने किया है इतर तो मैंने अन्य उपनिषदों में, तस्मात वही तस्मात आत्मनाकाश संभूत, वो आत्म से किसको लिया आपने, शुद्ध ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म को, यहाँ भी ग्रहण कर लो आत्मशब्द प्रयोगे तस्मात् वा तस्मात् आत्म आकाश संबंधित परस्य आत्मग्रहण यथा वा इतरस्मिन् लोक का आत्मशब्द प्रयोगे प्रत्येगात्म मुख्य आत्मशब्द निगृहते, और अथवा ऐसा भी हो सकते हो लोक में जैसे देखने को मिलता है आत्मशब्द किस लिए प्रयोग करते हैं, जीवात्मा के लिए प्रत्येगात्मा के लिए प्रयोग करते हैं तथा यह भी तुम मर्दी वैसे यहाँ भी ग्रहण कर लो, कुतः वाक्यार्थ दर्शनात्, ऐसे वाक्यार्थ देखने को मिल रहा है। आत्मगृहित इतरवत उत्तरादित्यधिकरण उत्तरात इति अधिकरण सिद्धांत न्याय न केवल आत्मपरत्व निषेध आ गया ना, आत्मगृहितिर इतरवत उत्तरात, ये अधिकरण का सूत्र है। उस अधिकरण में जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के आधार पर केवल आत्मपरत्व यह निश्चय होता है, न विशेष परत्वम उत्तर ग्रंथों से। अगला ग्रंथ आप जो तीन अध्याय जो ये उपनिषद का है यह हिरण्यगर्भादि विषय का नहीं हो सकता। इतने बातों को जो आंतरिकार ने बताया आत्मगृहित अधिकरण में जो निश्चय दिया हुआ वो सारा रहस्य को लेकर के यहाँ देखो भाष्य एक छोटा सा पंक्ति दे रहे हैं, अन्यार्थ अनवगमा भाष्य, अन्यार्थ अनवगमा, यहाँ तो कोई दूसरी पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है इस उपनिषद में, अन्य अर्थ में अन्य पदार्थ ऋणगर्भ का अनवगमात अवगम नहीं हो रहा है, अनुभव में नहीं आता, निश्चय नहीं हो पाता है कि कोई दूसरा पदार्थ कथन किया हो। तथा च पूर्वोक्तानां देवतानां अग्नियादीनां संसारित्वं दर्शयिष्यति अशनयादि दोषवत्वेन तम अशनापिपासाभ्याम् अन्ववार्जत इत्यादीना, ऐसे निर्णय हुआ कोई विस्तार पर समझा रहे, क्योंकि जो है
पहले वर्णन किया, ये समस्त देवताओं को जब प्रकट किया ना, तो देवता भूखे प्यासे थे, उनको भूख और प्यास से जोड़ दिया। तब बोले महाराज हमको भूख लग रहा है, प्यास लग रही है, हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा भाई शरीरों में चले जाना, इन शरीरों में रखकर अपने भूख प्यास बैठा लेना। आपको लग रहा है आपको भूख प्यास लगी है, लेकिन भूख प्यास आपको लगती नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा है, आत्मा को तो भूख प्यास लगता नहीं। आत्मा को लगती क्या भूख प्यास? लगा किसको फिर? हाँ, इंद्रियां और इंद्रियों के अभिमानी देवता, इंद्रियां भी जड़ है, उन्हें भी नहीं लग सकता। इंद्रियों के अभिमानी देवता जो अज्ञानी जीव है, वो भी अज्ञानी है ना, देवता भी अज्ञानी है। उन अज्ञानी देवताओं को ही भूख प्यास लगा, उनसे ही जोड़ा, जीवात्मा से जोड़ा नहीं भूख का प्यास। कहीं भी श्रुतियों में नहीं आया कि जीवात्मा भी भूख प्यासा है, बल्कि क्या कहा सभी श्रुतियों ने, ब्रह्म ही जीव बना हुआ है, ये जो भूख प्यास कहां से रहेगा? उन देवताओं से जोड़ा। यहां प्रमाण है, देखो पूर्वोक्ता नाम देवता नाम अग्नि आदि ना, ये इंद्रियों का अभिमानी देवता अग्नि आदि जो पूर्वोक्त, उनमें संसारित्व दर्शयति, उनमें संसारित्व दिखाया। यहां के दिखाएंगे ऐतरेय उपनिषद में इसका वर्णन आएगा। और उनको अशनादि दोषवत्वेन, क्यों अशनादि दोषवत्वेन संसारित्व दर्शयति, भूख प्यास आदि दोष से युक्त होने के नाते उनमें संसारित्व को ये आगे दिखाने वाले हैं। मंत्र का टुकड़ा दिखा रहा है, तम अशना पिपासाभ्यम अनवार्जत इत्यादि ना, यह ऐतरेय उपनिषद का 1-2-2 प्रथम अध्याय द्वितीय खंड का दूसरा मंत्र है। तम अशना पिपासाभ्यम अनवार्जत, उस देवता को भूख और प्यास युक्त कर दिया। और जो भी भूख प्यास आदि वाला है, अशनयादि में सर्वं संसारेव परसित ब्रह्मणो अशनयादि अत्ये श्रुते है, क्योंकि जितने भूख प्यास आदि युक्त जो भी चीज मानोगे वह संसार कोटि में ही है, समझो सर्वं संसारेव परसित ब्रह्मणो, और परब्रह्म परमात्मा भूख प्यास आदि से परे है, ऐसा श्रुतियां वर्णन करती है। अशनयादि अत्ये श्रुते है, नीचे देखिए अनगिरी, तथा संसारित्वं च दर्शयति इत्यन्वय, तम हिरण्यगर्भस्य स्थूलं रूपं वैराजं पिंडं असने पिपासाभ्यं संयोजितवान् ईश्वर इति श्रुत्यर्था। उस हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर था, विराट शरीर रूपा पिंड, इस शरीर में भूख प्यास जोड़ दिया उस परब्रह्म परमात्मा ने। असने आदिमत्वेपि निर्दिष्ट सुखवत्वेन देवता भावस्य मोक्षत्वं स्यात् इत्यतः, तब कोई कह सकता है वे अशनयादिमत्व नहीं पहुंचती, निर्दिष्ट सुख के कारण से उसकी देवता है ना, देवता होने से उसका निर्दिष्ट सुख होगा, निर्दिष्ट सुख होगा तो उसको मोक्ष प्राप्त है। कहते नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि जो भी भूख प्यास वाला है वह किसी भी कोटि में हो, भले हिरण्यगर्भ में भी क्यों ना हो, वो भी मुक्त नहीं है। यच्च निर्विशेषात्म स्वरूपावस्थान से विषयादि रहितत्व न मोक्षति तदसत, कूट पक्षी कह सकता है निर्विशेष आत्म स्वरूप में विषय आदि का अभाव होने से क्या सुख का अनुभव होगा? सुख ही अनुभव नहीं होगा, विषय नहीं है तो सुख ही, स्वरूप सुख को नहीं मान रहा पूर्व पक्ष, विषय जन सुख को ही सुख मान रहा है और उसके लिए शंका हो रहा है। तब होता है इसलिए जब विषय ना होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा, क्यों सुख अनुभव नहीं है? तो सिद्धांत ऐसा मत कहो तो सतो तस्यो अशनया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्येति इति अशनयादि अत्यश्रुतः है तन्नेत दुःख प्रसंगे है। श्रुति कार्य है जब भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन सबको अतिक्रमण किया है उसी का नाम आत्मा है, वहां नियत रूपेण दुख की प्रसक्ति ही वास्तव में नहीं है। स्वतश्च आनंदो ब्रह्म इति वजाना, स्वतः आनंद स्वरूप ब्रह्म ऐसा उसने जाना, यदि श्रुत्यंतरात ऐसा चित्र में ना आनंद ब्रह्म इति वजाना, वे कैसे जाना उसने? स्वतः ही जाना, तपो ब्रह्म सा तपो ब्रह्म जिज्ञासा उसमें बार बार बोला गया, और अंत में उसने क्या जाना? आनंद ब्रह्म इति वजाना जाना, स्वतः ही जाना है, कोई साधन की जरूरत ही नहीं। श्रुत्यंतरात अमुष्मिन स्वर्गीय लोक इति यहाँ भी आनंद रूपता अवगमात, अमुष्मिन स्वर्गीय लोके कह करके यहाँ पर भी आनंद रूपता का वर्णन किया हुआ है। स्वर्ग शब्द से सुख सामान्य वाचित्वात
अनंते स्वर्गीय लोके प्रवृत स्वर्गम लोकम इतः ऊर्ध्वम विमुक्ता इति श्रुतिषु। यदि कोई कह सकता है जो स्वर्ग शब्द है वह भी सुख सामान्य गवाची समझना, यहाँ पर लोक विशेष नहीं लेना, भले स्वर्गीय लोक शब्द के साथ क्या विशेषण दिया, अनंते स्वर्गीय लोके कह दिया, ताकि आप ये जो सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक जब पुण्य भोग करके लौटना वो स्वर्गलोक ना ले आप, इसे विशेषण जोड़ देना अनंते स्वर्गीय लोके, अंतरिक्ष स्वर्गलोक में गया स्वर्ग भूत सुख ही है वो, अनंते स्वर्गीय लोके प्रविदा स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्वमुक्ताः ब्रह्मानंदे स्वर्ग शब्द प्रयोग अच्छ। देखो ब्रह्मानंद में ही स्वर्ग शब्द का प्रयोग होता है। तब पूर्व पक्ष कहता है यहाँ से शास्त्रार्थ आरंभ होता है, भवतु एव केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्म्येव अधिक्रियते। यहाँ से शुरुआत संन्यास के बारे में कहे ठीक है, मान भी लेता हूँ केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, लेकिन आप ये नहीं कहना इस केवल आत्मज्ञान में अकर्मी को ही अधिकार है, अकर्मी मने सन्यासी को ही अधिकार है, ऐसा आप मत कहो। पूर्व पक्ष कहता है भवत एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम न तत्र अकर्मी एव अधिक्रियते, अकर्मी कोई अधिकार है ऐसा आप मत कहिए, कहता है पूर्व पक्ष। क्यों? विशेष अश्रवणात्, कोई विशेषण है क्या यहाँ पर है? कहीं वर्णन आया सन्यासी को देना चाहिए ज्ञान, ऐसे कहीं नहीं आया। अधिकारी के बारे में इस सुप्रसन्न विशेष रूपेण कुछ वर्णन नहीं हुआ, ऐसे किसी भी उपनिषद में सीधे शब्दों में नहीं कहा है सन्यासी को ही उपनिषदों का अधिकार है, ऐसे कहीं नहीं कहा। लेकिन शांत दांत प्रसिद्धु है ना, समाहित भूतवा पुत्रेश लोकेशन विथाय अथवा भैक्षचर्य चरंती इत्यादि मंत्रों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं सन्यासी को ही उपनिषद में अधिकार है, उसी के लिए शास्त्रार्थी आरंभ कर रहे हैं। देखिए पूर्व पक्षी कहता है सन्यासी मात्र को अधिकार है ऐसा आप न कहें। क्यों? विशेष श्रवणार्थ, या कोई विशेष सन्निधि आसपास में कहीं वर्णन नहीं है अधिकारी के बारे में। सब क्या करते हैं विशेष श्रवणार्थ की व्याख्या कर रहे, देखिए अकर्मिण आश्रम यंत्र ये अश्रवणार्थ, अकर्मी से भिन्न आश्रम यंत्र का यह श्रवण नहीं है। अकर्मी मने हमेशा सन्यासी अर्थ समझना, अकर्मी मने सन्यासी, कर्मी मने ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीनों ही कर्माधिकारी हैं, इसे तीनों को कर्मी कहा, और अकर्मी मने सन्यासी हो जो कर्म को त्याग करके गिरजा होम करके सन्यास लिया। आश्रम यंत्र अश्रवणार्थ, ऐसा मान लेने पर भी उसमें केवल कर्म त्यागी का अधिकार है ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मने कोई विशेष श्रुति नहीं है। यहाँ पर कर्म त्यागी किसी आश्रमांतर का श्रवण नहीं हुआ है, कर्म त्याग क्या हुआ सन्यास आश्रम रूपी इन तीन से भिन्न चौथा आश्रम का यहाँ कोई श्रवण ही नहीं है। कर्म च बल्कि सारा प्रकरण किसका चल रहा था, कर्म का प्रकरण चल रहा था। कर्म च बृहती सहस्र लक्षणम प्रस्तुत्य अनंतरमेव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते, कि कर्म या एक कर्म विशेष है बृहति सहस्र कर्म नाम का कर्म विशेष है, उस कर्म विशेष को प्रस्तुत करके उसके अनंतर ही यह आत्मज्ञान को आरंभ किया हुआ है। तस्मात कर्म ये अधिक्रियते, सन्निधि में कर्म का ही पाठ होने से कर्म सन्निहित यह विद्या उसी कर्म का अंग मानना चाहिए। और पक्ष गाना है क्योंकि ये कहा गया उपनिषद को बीच में आया, चौथा पांचवा छठा अध्याय, अठारह अध्यायों में से पहला तीन अध्याय कर्म का, फिर तीन अध्याय उपनिषद, छह के बगैर विशेष बारह अध्याय भी कर्म विशेष विचार ही है, तो आगे पीछे कर्म है ना, पहला तीन और सात से सोलह तक, अठारह तक, सात से अठारह तक पूरा का पूरा कर्म है। बीच में आए वो क्या होगा संदन संन्याय से ये कर्म कोटि में लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का कहना है। कर्म च बृहति सहस्र लक्षण प्रस्तुत्य अनंतर में आत्मज्ञान प्रारभ्य दे, तस्माद कर्मी ये अधिक्रिय दे, कर्मी का ही अधिकार मानना चाहिए, न कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम अस्ति,
कहने का मतलब कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम है ही नहीं, ऐसा उसका कहना है। तस्मात कर्म ये अधिकृत का मतलब संन्यास आश्रमो नास्त्येव। तब सिद्धांत एकदेशी कह गया एव मात्विद्याम केवलाम कर्म असंबंधिनी अंगीकृत्य तस्याः अकर्मनिष्ठत्व नियमौ निराकृतः इदानीं अंगीकारं परित्यजति। आप कहता है वास्तव में ये कर्म असंबंधी भी नहीं है, ये भी स्वीकार करता है। न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम, ये जो आत्मविज्ञान है कर्म का असंबंधी है ऐसा भी नहीं कहना। कहने मतलब कर्म संबंधी है। पहले क्या किया उसने, तुष्यत दुर्जन न्याय अपनाया, कहा ठीक है मान भी लूं मैं केवल आत्मज्ञान है तो भी इसको संन्यास का अधिकार नहीं, ऐसे स्वीकार कर। पहले लग रहा है उसने यहाँ ये तीन अध्याय को ब्रह्म विद्या स्वीकार किया है ऐसा लगता है, लेकिन वो भी तुष्यत दुर्जन न्याय से बोल रहा पूर्व पक्षी मान भी लिया। इसलिए क्या बोला उसने, भवत्वे होवे ऐसे यदि संन्यास आश्रम नाम की चीज होता तो, इन वास्तव में संन्यास आश्रम ही नहीं है। अतएव ये कर्मी का ही इसमें अधिकार है, या कर्मी का अधिकार है तो कर्म संबंधी मानना पड़ेगा। अतएव यह आत्मज्ञान कर्म संबंधी नहीं है ऐसा मत कहो। पहले क्या कहता अकर्मी संबंधी, आप कहते कर्म असंबंधी, दोनों शब्दावली में ध्यान रखना। पहले कर्मी का ही संबंधी निश्चय कर दिया और अब कर्म संबंध भी निश्चय कर दिया, अर्थात इन तीन अध्यायों में कर्मी को ही अधिकार निश्चय कर दिया। इसने निश्चय कर पा रहा है क्योंकि उसका कहना है ये तीनों अध्याय कर्म संबंधी है, अतएव इसमें कर्मी को अधिकार है, सन्यासी का कोई लेन देन यहां नहीं है। क्यों, पूर्वत अंत्य उपसंहार, क्योंकि जैसा पहले तीन अध्यायों पर उपसंहार किया है वैसे अंत में यहां पर भी उपसंहार कर्म को ले, कर्म के फल का कथन लग रहा है। इसकी व्याख्या करें पूर्व अंत्य उपसंहारा की व्याख्या स्वयं करेगा पूर्व पक्षी। यथा कर्म संबंधी पुरुषस्य सूर्यात्मन स्थावर जंगम आदि सर्वप्राण्यात्मत्व मुक्तम ब्राह्मणेन मंत्रेण च, ब्राह्मण भाग में और मंत्र भाग में दोनों ही जगहों में एक वर्णन बात हुई है। क्या, कर्म संबंधी न पुरुषस्य सूर्यात्मना, कर्म संबंधी पुरुष कौन है, सूर्यात्मा। स्थावर जंगम आदि सर्वप्राणी आत्मत्व मुक्तम, स्थावर जंगम आदि सर्वप्राणी रूपा कथन कर दिया। सूर्यो आत्मा सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखश्च, ये मंत्र है प्रथम अध्याय 65वें अनुवाक का पहला मंत्र है, 1.65.1 ऋग्वेद में सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखश्च ये लिख दिया इत्यादि ना। तथा उसी प्रकार से येष ब्रह्म येष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम इस ऐत्री आरण्यक में बोला, तीन एक तीन में ये आरण्यक में भी बोल रहे हैं आप, और संहिता में भी आगे कहेंगे यत् स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रमिति उपसंहरिष्यति, जो स्थावर है वह सब प्रज्ञानेत्र है। इस प्रकार से इस ऐत्री आरण्यक में भी आप उपसंहार करें, मंत्र भाग में सर्वात्मवाद कहा, ब्राह्मण भाग में भी सर्वात्मवाद का कथन किया, और आरण्यक में भी सर्वात्मभाव का कथन कर रहे हो। संहितोपनिषद देखिए तथा च संहितोपनिषदि एतमेव बहुव्रजा महति उक्ते मीमांसन्ति इत्यादिना कर्म संहितम् उक्त्वा सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इत्याचक्षते इत्युपसंहरति। संहितोपनिषद में भी ऐसा ही उपसंहार मिलता है। इतो अत्र आरण्यकस्य इयम उपनिषद टीकायां संदंशेन संदंशोक्तिरिति अवगन्तव्यम्, एक नंबर टिप्पण है संहितोपनिषद में। एतमेव भवृचा महति उक्ति मीमांसन्ति, भवृच शाखा वाले ऋग्वेदी लोग महति उक्ते, यह भी एक कर्म विशेष है, उस कर्म विशेष में यह विचार करते हुए कहते ऐत्रेय आरण्यक का नंबर है 3.2.3.12, एतमेव भवृचा महति उक्ति मीमांसन्ति का नंबर है 3.2.3.12 ऐत्रेय आरण्यक। चकारान्वय
महति उक्ते बृहति सहस्राख्ये शस्त्रे एतम प्रकृतम महात्मानम ऋग्वेदिनो विचारयन्ति श्रुत्यर्थिया देखो आंगिरी बृहति सहस्र नामक इस महान कर्मकांड के अंतर्गत महति उक्त नामक शस्त्र का जब पाठ करते हैं उसके बाद इस प्रकृत आत्मा के बारे में ऋग्वेदी लोग चिंतन करते विचार करते हैं ऐसे भी कहा। और वही फलादेश में क्या बोला, सर्वेश भूतेषु एतमेव ब्रह्म इत्याचक्षते, सकल भूतों में इसी ब्रह्म का ही बारे में कथन किया है ऐसे सम्मार किया। तथा तस्यैव योऽयं शरीरः प्रज्ञात्मा इति उपकृतस्य यश्च असौ आदित्यः एकमेव तद्, वह यह जो शरीर के भीतर में है स्वयं अशरीर है प्रज्ञात्मा, शरीर रहित है वास्तव में प्रज्ञात्मा। ये जो कहा गया था उसको क्या बोला, यश्च असौ आदित्य जो सूर्य में है एकमेव तदिति विद्यात् इति एकत्व, ऐसे ही जानो ऐसे ही अनुभव करो, इस प्रकार से एकत्व का कथन किया। इसे स्पष्ट हो रहा है सकल उपाधि विद्यमान आत्मा ब्रह्म एक ही है, एकमेव द्वितीय को सिद्ध किया है। और सब कौन एकमेव द्वितीय हिरण्य गर्भ, पूरा पूर्व पक्षी बोल रहा है वैसे सब हिरण्य गर्भ तरफ बटाना चाहता है, ब्रह्म शब्द का भी अर्थ हिरण्य गर्भ लेना पड़ेगा, आत्मा शब्द का भी अर्थ हिरण्य गर्भ लेना पड़ेगा। अतएव यहाँ भी कोयम आत्मीति उपक्रम्य प्रज्ञातत्वम एव प्रज्ञानम ब्रह्म दर्शयति, यहाँ पर भी कोयम आत्मा ये आत्मा कौन है ऐसा शंका उठा करके जवाब में उपक्रम करने के बाद प्रज्ञातत्वम एव प्रज्ञानम ब्रह्म इति, प्रज्ञात्मता को ही प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि तीन तीन के द्वारा दर्शाया गया है। तस्मात् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, ये जो आत्मज्ञान है वसले वास्तव यह निर्गुण ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यह तो हिरण्य गर्भ रूपी सगुण ब्रह्म ज्ञान है, अतव अकर्म संबंधी नहीं है अर्थात कर्म संबंधी अवश्यम भावी है ऐसे मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने स्थापित कर दिया। अतव कर्म संबंधी है और यह इसलिए कर्मी को ही इसमें अधिकार है, सन्यासी को इसमें कोई अधिकार नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष है। ठीक उल्टा कहेंगे अब सिद्धांति, सन्यासी को ही अधिकार है कर्मी को कोई अधिकार नहीं। फिर बीच में सिद्धांत एक देशी फिर आएगा, फिर पूर्व पक्ष बोलेगा शास्त्र से चलेगा।